सो हे वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर, इट्स का प्रोडक्शन एंड आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ ट्रेंडिंग फोटो स्टेटस एडिटिंग कैसे कर सकते हैं काइनमास्टर के अंदर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इस टाइप का स्टेटस आज हम क्रिएट करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड अब अपने वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने काइनमास्टर को ओपन करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, 9:16 रेशियो को सेलेक्ट करना है और अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है जहां पे हमारा फोटो होगा। सो इस वाले फोल्डर को मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन अपने फोटो के ऊपर हम टैप करते हैं ना, उसके बाद इसे करते हैं डन। ठीक है, डन करने के बाद अपने फोटो का ड्यूरेशन हमें इंक्रीज करना होगा। सो फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसका ड्यूरेशन यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो 20 सेकंड के अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे रख दिया ड्यूरेशन। देन पैन एंड जूम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे यहाँ से कर लेंगे हम जूम। ओके, तो इस तरीके से आप जूम कर लेना, देन उसके बाद इक्वल टू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, बैक करना है एंड एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, देन सेचुरेशन को बिल्कुल -100 कर देना होगा, विब्रेंस को भी -100 करना है जिससे कि हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो कन्वर्ट हो जाए। नाउ बैक करना है एंड लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है एंड एक आपको वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। देन आप अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में क्लिक करना एंड इस वाले वीडियो को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये कुछ इस तरीके का वीडियो है, तो इसे आप यहाँ पे ऐड कर लेना एंड इसे पूरा स्क्रीन में आपको अच्छे तरीके से फिल कर देना है। ओके, देन क्रोमा की के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से इसे इनेबल करना है। नेक्स्ट की कलर पे आपको क्लिक करना होगा और ग्रीन को सेलेक्ट करना है। ओके, ग्रीन कलर आपको यहाँ से भी देख सकते हो, मिल जाएगा आपको, तो आप ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना, डन करना एंड इसे आपको 50-50 रख दोगे तो आपका काम हो जाएगा ना। उसके बाद इसे हम डन करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा ये इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमें इसे एक्सपोर्ट करना होगा, सो एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ना एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप बैक कर सकते हो एंड इस वाले वीडियो को डिलीट करके अपने फोटो को नॉर्मल में हम कर देते हैं, तो एडजस्टमेंट पे क्लिक करके मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, इसका सारा कलर ये सबको। ओके, ना यहाँ पे इसे नॉर्मल कर सकते हो या फिर आपको सेचुरेशन थोड़ा इंक्रीज कर दो तो और अच्छा ही रहेगा, फोटो आपका अच्छा लगेगा। ओके, देन बैक करते हैं एंड नाउ उसके बाद यहाँ पे आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है एंड अभी जो आपने एक्सपोर्ट किया है वीडियो, जस्ट उस वाले वीडियो के ऊपर आपको टैप करना होगा एंड इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सो हमारा वीडियो यहाँ पे ऐड हो गया, देन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसे कर लेंगे फिल। फिल कर लेने के बाद यहाँ पे आपको बैक करना है एंड ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, इसे हमें रिमूव करना होगा। सो इसे रिमूव करने के लिए क्रोमा की के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड इसे इनेबल करेंगे, देन की कलर के ऊपर टैप करके ये जो सर्कल वाला रहता है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लू को सेलेक्ट कर लेंगे ना। उसके बाद इसे भी आपको 50-50 कर देना, देन डन करते उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये इफेक्ट हमारे क्रिएट हो चुका है। ओके, सो इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो जाए, तो यहाँ पे देख सकते हो ये इफेक्ट हमारे क्रिएट हो गया। नाउ नेक्स्ट एडिटिंग हम करते, सो नेक्स्ट करने के लिए सिंपली से आपको लेयर के ऊपर क्लिक करना है, मीडिया के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको एक पार्टिकल इफेक्ट ऐड करना होगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। सो इस वाले पार्टिकल इफेक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, पार्टिकल इफेक्ट हमारा यहाँ ऐड हो गया। नाउ इसे भी हम फिल स्क्रीन कर लेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिल स्क्रीन करते बैक करने के बाद इसका ब्लेंडिंग के ऊपर आपको आना है एंड स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे देख पाओगे कुछ इस तरीके का पार्टिकल इफेक्ट हमारा ऐड हो चुका। अब हमें यहाँ पे एक लाइटनिंग ओवरले ऐड करना है, सो लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फिर से आपको डाउनलोड वाले फाइल में चले जाना, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देन इस वाले ओवरले को हम सेलेक्ट करेंगे एंड स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर टैप करके फिल स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे, देन इसका भी ब्लेंडिंग के ऊपर हमें क्लिक करना होगा एंड इसे स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे एंड बॉर्डर एक पीएनजी होता है उसको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे भी यहाँ पे ऐड कर लेना, फिल स्क्रीन कर लेते हैं। देन उसके बाद इसका भी ब्लेंडिंग को आके हम यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसका ड्यूरेशन पूरे वीडियो के लास्ट तक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ देख सकते हो हमारा स्टेटस परफेक्टली क्रिएट हो चुका है, जस्ट हमें यहाँ पे म्यूजिक ऐड करना होगा। सो म्यूजिक तो ऐड करना बहुत ही आसान सा चीज़ है, अब म्यूजिक ऐड करना है तो ऑडियो के ऊपर हम क्लिक करेंगे, देन उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करेंगे और जो फोल्डर में आपका ऑडियो होगा उस वाले फोल्डर को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको उसे कर लेना है ऐड। सो ऐड हो चुका, डन कर दे ना, हमारा स्टेटस जो है वो क्रिएट हो चुका है। सिंपली से हमें एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से इसे कर लेना है एक्सपोर्ट। तो इस तरीके से करके आप ये स्टेटस क्रिएट कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Dance product.